वो डूबी का है, वो डूबी अंदर हो गया कॉटेज के अंदर, नहीं वो विला में रहते हैं। अच्छा वो उनका है विला। ओ शिट ओ शिट शिट ओ माय गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ, बज रहे हैं सुबह के 8। संभावना पीछे अभी सो रही है। इन दोनों को मैं अभी सुबह सुबह अकेले घुमा के लाया हूँ। ये मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और आप देखो सामने सीधा यहाँ से मैं ये माउंटेन व्यू देख सकता हूँ। ये बालकनी में मैंने दरवाजा खोल दिया है और ये देखो यहाँ से बादल आए हुए हैं माउंटेन पे इस तरफ भी। ये नीचे पूल है जहाँ कल हम लोग गए थे और ये पेड़ है एकदम रूम के सामने और ये वो टेंट है जहाँ हम कल रात को रुके और उसके पीछे वो जो है वो लेक है नीचे। ये लेक दिख रही है आप लोगों को, ये बाकी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से भी व्यू बहुत शानदार है और मैं आज यहीं बैठ के चाय पीने वाला हूँ। चाय मैंने अपनी ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आने वाली है। ये जो रास्ता है ना सामने, ये रास्ता मुझे इतना अच्छा लगता है, सुनसान एकदम, जिस रास्ते से हम लोग वाटरफॉल के लिए गए थे। इतना पीसफुल रास्ता है ना कि मतलब अगर मैं यहाँ पे रहता तो शायद मैं रोज यहाँ 8-10 किलोमीटर रनिंग के लिए जाता इस रास्ते पे। अब आज हमारे जाने का टाइम है तो बहुत सारे बादल आ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में मेरी चाय आएगी तो मैं चाय पीऊंगा और चाय पीने के बाद संभावना को उठाऊंगा। फिर हम लोग शायद थोड़ी देर के लिए लेक पे जाएंगे, फिर वापस आके अपना नहा धो के पैकिंग वैकिंग करके फिर निकल जाएंगे। हम लोग का प्लान था कि हम लोग बिकॉज यहाँ पे अब एक दिन की अवेलेबिलिटी और नहीं है तो हम लोग यहीं कहीं एक दिन के लिए और कहीं आसपास में रुक जाएंगे। बट जैसा कि मॉनसून में हमारा होता है महाराष्ट्र में कि आपको बुकिंग्स नहीं मिलती, लोनावला महाबलेश्वर एकदम पैक हो जाता है हर जगह, तो हमें मैंने कल बहुत ट्राई किया, हमें कोई बुकिंग नहीं मिली। तो आई थिंक अब थक हार के हमें बॉम्बे जाना पड़ेगा। हम कुछ दिन और रुकना चाहते थे लेकिन क्या करें, तो हमने प्लान किया कि हम लोग कुछ दिन बाद, जल्दी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है तो हम लोग दोबारा आएंगे 2-3 दिन के लिए कहीं और, चाहे वो लोनावला हो, खंडाला हो या व्हाटएवर, एक बार डिसाइड करके और उसकी बुकिंग अभी कर लेंगे। और टूथपेस्ट है क्या? दे दो ना। चेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चेरी बहुत थक गई है। रात को उसको दो दवाई दी, एक तो पेन किलर और दूसरा नीम के लिए, तब जाके वो सोई है। मेरी बेबी भी उठ गई है, उसने मुझे डरा दिया है। मैंने कहा अंधेरे में किसकी आवाज़ आई है। गुड मॉर्निंग बेबी, देखो बादल नीचे आए हुए हैं। अरे फिर सो गई तुम, हैं? मेरे को पता नहीं है तुम्हारा ऐसे लेटने का मतलब क्या होता है। बेबी उठ जाओ, लेक पे जाना है ना अभी। क्या ये क्या किया तुमने, मतलब प्लान कैंसिल। कैंडू इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, बैठेंगे बैल्कनी में, आ जाओ। जी मैं रूम से निकल गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसी फ्लोर पे एक ये भी रूम है जिसमें दीदी रुकी हुई है और ये जो है बहुत ही प्यारा सेटिंग एरिया है जहाँ बैठ के मैं अभी एडिटिंग करने वाला हूँ। आप यहाँ से ग्रीनरी देख लो और व्यू देख लो, ये देखो वाओ। वहाँ से मैं इस रास्ते की बात कर रहा था, ये जो रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पर मैं अभी एक अच्छी सी जगह देख के बैठूंगा और अपनी एडिटिंग खत्म करूंगा। वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। तो आप देख सकते हो मैंने अपने साथी को भी बुला लिया यहाँ पे, चेरू और मैं बैठ के एडिटिंग करेंगे अभी। चेरी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो नीचे कुछ घास वास खाई थी क्योंकि उसका पेट ख़राब था, तो शायद कोई गलत घास खा ली तो उसको वॉमिटिंग हो रही है चेरी। लेकिन अब शायद चेरी बेटर फील करेगी बिकॉज कल रात से बहुत अनईजी फील कर रही थी, तो शायद इसको ना बदहजमी हो रही थी या कुछ हो रहा था, तो उसने जो घास खाई है नीचे उसकी वजह से जो इसको वॉमिटिंग हुई ना, अभी बेटर फील करेगी क्योंकि रात से इसको फीवर भी था, बहुत हाँफ रही थी, अनईजी फील कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, तो शायद इसको वॉमिटिंग होनी थी जो अभी क्लियर हो गया इसका स्टमक। चेरू फीलिंग ओके? इसको देख लो कहाँ चढ़ी हुई है। तो जब तू अब रो रही है, उतर नहीं पा रही, तो तू चढ़ी क्यों थी, हैं? वहीं रह अब। क्या हुआ? नहीं वहीं रह अब, क्यों चढ़ी क्यों थी जब उतरना नहीं आता। तो फाइनली मेरी बेबी झूठे बहाने बना के उड़ गई है कई बार। गुड मॉर्निंग। साथ में दोनों पहरेदार भी आ गए हैं। अरे बेबी क्या लग रहा है। अरे अरे क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है बेबी, मेरे को नहीं जाना। दूसरे गेस्ट आ गए हैं और नीचे लठ लेके खड़े हैं, सबने कह दिया कि ऊपर एक औरत है जो निकल नहीं रही है, तो नीचे खड़े हैं वो सारे ना तुम्हें पीटने के लिए। चेरू अभी तबीयत ठीक है? चेरू को क्या हो गया था, रात को क्या हो गया था, मम्मा को इतना तंग क्यों कर रहा था, रात भर उठा हुआ था, ये सोई नहीं ना रात भर। चेरी सोई थी बीच में, लेकिन बेड पे ही सोई थी। बेड पे ही सोई हुई थी, तुम्हें पता है, हाफ रही थी ना बीच में, बट नाउ शी इज ओके ना। हाँ अभी तो बेटर लग रही है। वॉमिटिंग करी इसने बहुत। क्या हो गया, क्या हो गया, कितना बोल रही है बेटा।
अरे 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 यार नहीं छूना, का हुआ बाबा को, नहीं गला खराब हो जाएगा। क्या और भी डॉग्स आ गए यहाँ पे? ये अविनाश का आ गया है भुर्जी और पराठा जो इनको खाना था, और ये रहा मेरा चीज ऑमलेट। तो जी मैंने इन दोनों कबूतरियों को तैयार कर दिया है, इसको भी तैयार कर दिया है। चेरू चेरू, ये रहा कोको, कोको को भी अभी वाइप से एकदम अच्छी तरह से तैयार किया है, अभी कुछ देखूंगी पहनाना है। तो जी हम लोग तैयार हो चुके हैं, फाइनल पैकिंग हमारी सब हो चुकी है, मतलब ये हो गई और सामान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। मे बी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी नीचे थोड़ा शगुफ्ता और दानिश के साथ एंड देन विल लीव। शगुफ्ता किधर है? वहाँ है। एक बार जरा सामान सेट हो जाए ना फिर आराम से बैठते हैं, ये तीनों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता साथ में। कहाँ पे हो? गर्मी नहीं लग रही? लग रही है लेकिन घूम रही है। आ जाओ भी मैं उस पे बैठू जरा। आ जाओ पकड़ो। कोको को लेके बैठोगी? अरे गिर जाओगी, पलटता है वो। अकेले बैठो ना कम से कम, कि अकेले गिरो। मेरे को दे दो, लाओ। चलो जाओ। वो देखो इतना तैयार होके मिट्टी में घूम रही है, इसकी टेक्निक होती है भी अंदर जाने की। अरे 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 बेबी इतना अनकंफर्टेबल होके कौन सोता है? कैंटू मम्मा को देखो, मम्मा गिरने वाली है। अरे ये कैसा चिल कर रहे हो आप मैम? ये तो ऐसा लग रहा है और टेंट पैक होके शादी के बाद अब वापस जा रहा है टेम्पो में ना। अच्छा नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है इसमें? हाँ, कोको को दे दो। कैंडी को भी आना, ऊपर देख रही है, फट ही जाएगा वो। आ जा तू तैयार। आएगी तो लूंगी। चल कोको के पीछे बैठ। बोहो डूबी का है? बोहो डूबी अंदर हो गया कॉटेज के अंदर? नहीं वो विला में रहते। अच्छा वो उनका है विला? ओ शिट ओ शिट शिट ओ माय गॉड, एक बहुत बुरी तरह गिर गई यार, बहुत बुरी तरह गिर गई। सो नाउ वी आर एंटरिंग द कॉटेज। वाओ नहीं आए ना यहाँ पे? नहीं नहीं मैं कभी नहीं आया, मैं उसे रात को आई थी। वाओ यार कितनी सुंदर। एनीवे का सब लाइक 8 बजे आते हैं सुबह, टक 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 ठोकर रखते हैं। ये नेक्स्ट कॉफी इज ऑन। हाउ डन डन डन। चलो वेयर इज गैनेश? What time do you go to coffee Starbucks in the mornings? Every morning? अरे you tell me whenever. Whenever. Yeah, but हम तो neighbors हैं। और वो हमेशा तैयार है Starbucks के लिए। Done done. चलो done done done. वो नहीं जाती तो Starbucks वाले घर पे आ जाते हैं लेने के लिए। क्या हो रहा है ये? चल भी नहीं पा रही, तो फ्रॉक पहना दी, ऊपर से पथरीला रास्ता। और वो जो तैयार है बैठने के लिए, इसको देखो ना पूरी तैयार है घर जाने के लिए, पता है अब थक चुकी है। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, गाड़ी ऑन कर दो भी फटाफट ना। ये इधर कैसे आ गई 2 मिनट में? चेरी ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है? माँ को गाड़ी चलानी है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर चेरू सेट डाउन। तो जी ये खूबसूरत वादियों को छोड़ के अब हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। रास्ते में भी कोई और जगह मिल जाए तो रुक जाएंगे एक दिन के लिए। और इन्होंने तो ऐसी हाय तौबा मचाई है वापस। बोहडूबी आ गए छोड़ने हमें। बोहडूबी बोहडूबी बाय बाय बोहडूबी। आते टाइम हमारा कैसे स्वागत किया था, जाते टाइम देख भी ले। ये क्या हो गया, पलट गया? पता नहीं है क्या ये, पहले ये बताओ। बोट कैसे चल रही है रोड के ऊपर? हाँ वो तो बोट थी ना, बारिश में पानी भर गया था रोड पे तो लोग बोट में निकल गए। आई थिंक आने वाला होगा। क्या मैकडोनल्ड्स देख रहा हूँ खपोली में? काफी खुल गई है खपोली में, काफी खोपड़ी खुली है आपकी, काफी कॉन्फिडेंस दिया है खपोली ने आपको। बेबी इसको कैसे तैयार करके तुमने बिठा दिया है? बच्चे होते ना जो शादी में जाने वाले, तो फिर पता चलता शादी कैंसिल हो गई। और चमकीले कपड़े पहन लेते हैं डीजे पे नाचने के लिए, वहाँ जाके पता चलता है कि दूल्हे को दहेज के लिए पीटा गया और बारात को भगा दिया गया। वहाँ पे बच्चे गए हुए हैं, बच्चों को ना तो गुलाब जामुन मिला ना आइसक्रीम मिली, अपने चटकीले कपड़े पहन के वापस आके सो गए घर पे वैसे ही पेट के बल। पीछे वाले ठीक है? पीछे वाले तो वही है ना जिन्होंने दहेज की मांग की थी, तो लग रहा है खूब पिटे हैं। हम लोग पहुंच गए मैकडोनल्ड्स, समाना तो कुछ खा नहीं सकती है बिकॉज वो है डाइट पे। मेरा मन भी नहीं है और दीदी को भी कुछ नहीं खाना है। एक बार नहीं धुलवा लेना बेबी। अच्छा और धुना, ऐसा करो धुना के फिर इसको धुना दिया, ठीक है? फिर धुनाने के बाद आपको धुनवाना है। बेबी रुको नहीं रहा है। क्या खोल रही है तुम? अरे इसके अंदर अंदर भी वो है ना ये गीला खराब ना कर दे तो तुम इसमें डलवा के ले आओ। बेबी कितना टाइम लगा दिया तुमने यार। अरे भीड़ थी और तुम्हें आज समझा दूं तुम्हें कि इसके ऊपर वो क्यों था। हाँ। ये इतना गर्म है मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने मुझे निकाल के दिया वो। ओ अच्छा इसलिए था ये। अभी नहीं जा रहा। क्या करूं सो गई वो। चुना पापा को भी बैठने दो बेटा, शादी कैंसिल। उठो मुझे गोदी में चले। देखो बोहो और डूबी ने क्या मारा है मेरे को। नीला पड़ गया ना, नीला पड़ गया पूरा बोहो डूबी का।
जी हम रास्ते में रुक गए हैं, गाड़ी रास्ते में रुकाई है। अविनाश पीछे से इनकी ट्रीट निकाल रहा है क्योंकि इनको लग गई है, बच्चों को भूख लग गई है। अगर हमें लग गई है तो इनको तो डेफिनेटली लग गई है, तो इनके लिए हम लोग ट्रीट्स निकाल रहे हैं। निकल गई कैंडी के लिए वो दो। तुम्हें पता है गाड़ी की चाबी कहाँ थी? गाड़ी की चाबी दो, एक मिनट। डिक्की में किसने रखी? डिक्की वहाँ से चल रही है गाड़ी, रखी लेकिन चली गई क्योंकि सामान रखते रखते। ऐसा पता तुमने कैसे बोला? हाँ। जैसे ये मैंने किया। नहीं नहीं आप कैसे कर सकती हो ये? डिक्की में नो यू कैन नॉट डू दिस, इट वाज माय मिस्टेक, आई विल बी स्लैप्ड फॉर दिस। अब हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं घर के पास में, एक मिनट दूर है बस घर से, और इनको पता लग चुका है। सबसे पहले उसको पता लग चुका है, ब्योमकेश बख्शी को, पीछे से देख रही हो। ये बहुत परेशान हुई हुई है आज, आज थोड़ी ज्यादा परेशान हुई है चेरी। अभी घर पहुंच के थोड़ा एक घंटे में ना सेटल हो जाएंगे, है ना? हाँ, इसको अच्छी तरह से नहला दूंगी ना चेरी को। हाँ, और एसी चला देना अंदर, सो जाएंगे बच्चे को। पता लग गई, घर आ गया चेरी, पता लग गया। पहले चेरी को उतार देना भैया। मैं इन तीनों को लेके घर जा रही हूँ, तुम सामान वगैरह सब लेके आओ, ठीक है? ठीक है, पहले चेरी को उतारो आराम से। देखो देखो कूदी है, कूदी। उसकी चेन कहाँ है? सब कुछ अब लेके आओ तुम लोग। अरे उसको चेन तो लगा दो, कैसे जाएंगे? मैं आपको बता दूंगी, जब से घर पे आए हैं ना तब से काम कर रहे हैं, अनपैकिंग करी है, धोने वाले कपड़े मशीन में डाले हैं, हाथ से कपड़े धुलने वाले हाथ से धोए हैं, ऑफकोर्स दीदी ने धोया, मशीन मैंने लगाई है, और सारे कपड़े मेकअप बच्चों का सामान सॉर्टेड करते करते इनको खिला के अब मैं ढेर हो चुकी हूँ, और मुझे किसी भी हालत में अब सोना है। मैं बात नहीं कर सकती, ये जिस तरह से कर रही है ना इसको मार दूंगी मैं दो थप्पड़। यार ये इतना घूम के फिर भी अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, ना हमें जीने दे रहे हैं। मेरे को वहाँ भी कहाँ जीने दिया, इसे नहीं जीने दिया। तो आई होप आप लोगों को हमारे ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद नहीं आए होंगे। नहीं, अगर पसंद आए तो बता देना, अगर नहीं आए तो फिर नहीं बनाएंगे, फिर यही है। अगर आ गए हो तो सच सच बोल दो, और जलन वाले लोग फिर देख लो अपने आप, देख लो भाई जलन वाले लोग भी तो देखते ही हैं। जलन वाले फिर ये देख लो, फिर अगली बार से जलने के लिए भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ तो चाहिए ना, हम किस बात पे जले? तो जलाने के लिए तो ब्लॉग चाहिए ना, तो आप लोग बताओ हमें कि हम जल रहे हैं आप लोगों के लिए। जो लोग जल रहे हैं, जो लोग जल रहे हैं, कुछ लोग जो गंदा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल ब्लॉग्स बनाऊंगी। जलते रहना और जलते जलते हमें दुआएं देना। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आपको मिलते हैं जल्दी अपने अगले ब्लॉग में। इसको मार दो बेबी, इतना वर्स्ट क्लोजिंग मैंने किसी ब्लॉग का नहीं सुना। नहीं सुना। किस मूड में हो? नींद में हो क्या? आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल।